हाय गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये जो हमने ये विंडो का पल्ला बना के रखा हुआ है, तो ये तो हमने पहले बनाया था। तो आप लोगों को ये हमने वीडियो पे दिखाया था कि मैंने इसको किस तरह से बनाया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट जरूर करिएगा। और इस तरह भी देखिए, यहाँ पर हमने जो इस विंडो का पल्ला के लिए हमने ये होल करके रेडी करके रखा हुआ, लेकिन इसका अभी फिटिंग नहीं किया है। तो आज जो है हम इन सारे पल्ला को जो है फिटिंग करके करने वाले हैं कंप्लीट कुछ इसी तरह से। तो चलिए बिना देरी के फटाफट काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए हमने विंडो का पल्ला बनाने के लिए जो फ्रेम को हमने होल करके रखा हुआ था, वो हमने यहाँ पर ले लिया कुछ इस तरह से। और ये चौड़ाई वाला फट्टा है ये, तो हमने इसका जो आल बोलता है वो हमने कटिंग करके पहले से रखा हुआ है। तो इसको जो हमने दाग लगा लिया है, तो अभी इसको हम जो दाग लगा के इसको कटिंग कर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से कटिंग करके जो है फिटिंग करने वाला। ये साइड के जो कटिंग करके चीर के निकला होता है, इसको हम थोड़ा सा आरी सही से कटिंग करने के हाथ वाला आरी से कटिंग कर लिया इसको। और ये थोड़ा सा साइड पे निकला हुआ है जो, इसको हम ये देखिए बटल की मदद से इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, देखिए हमने कटिंग करके इसको कर दिया है। तो और भी बहुत सारे हैं कटिंग करने के लिए, देखिए। तो ये सारे के जितने भी सारे के सारे जो है पहले कटिंग करके कंप्लीट करना पड़ेगा। हम जो है सारे कटिंग करके पहले पूरी जितने भी है वो सारे कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है एक ही बार में सारे सारे फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमने सारे जो है दाग लगाकर कर दिया कंप्लीट। ये देखिए कुछ इस तरह से दागी लगा दिया है। तो अभी चलिए इसको जो है चीर लेते हैं, फटाफट से इसको चीर कर कटिंग करके रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने ये जो है जितने भी हमने ये लाइन जो खींचा हुआ था हमने चीर कर रेडी कर लिया है। तो अभी जब इसको यहाँ से टुकड़ा करने वाले हैं सारे के सारे, तो चलिए इसको फटाफट से जो है टुकड़ा कर लेते हैं। तो गाइस, हमारा फाइनली हो गया है कटिंग करके सारे पार्ट्स जो है, ये देखिए। तो अब चलिए फिटिंग करते हैं फटाफट से इसको। तो अभी ये वाला पार्ट जो है इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तक क्योंकि यहाँ पर जो इस तरफ लगाने वाला है वो सही तरह से नहीं बैठने वाला है, तो इसको थोड़ा सा कटिंग करके बैठाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो फिटिंग करेंगे। तो वाला पीस भी हमने इस तरफ रेडी करके रखा हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। तो चलिए फटाफट से जो है फिटिंग करते हैं। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ये जो है बीच विंडो का बीच वाला पार्टीशन कर लिया है, जो हमने वो फिटिंग करके इस तरह से रेडी कर लिया है। तो दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से फिटिंग होने वाला है, जो हमने बीच पे लगाया गया है, तो ये कुछ इस तरह से फिटिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप बिना देरी के फटाफट से जो इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बीच में रहने वाला है, तो चलिए फिटिंग करते हैं इसको। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने ये दो पीस विंडो पल्ला जो है फिटिंग करके कंप्लीट कर लिया कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब फटाफट से बाकी सारे विंडो को जो है फिटिंग करके कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये विंडो का पल्ला जो है पूरी तरह से फिटिंग करके कर दिया है कम्प्लीट। तो कुछ इस तरीके से है,
इसको सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि अभी फिटिंग करके रखा हुआ है। अभी इस पर जो है ये देखिए साइड पर गैप हुआ हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको अभी जो है क्लेम की मदद से इसको टाइट करके जो लकड़ी वाला कील इसका लगाना पड़ेगा, तो तभी इसका जो है काम कंप्लीट होने वाला है। और इसके सैंड पेपर भी मारने के काम जो अभी भी बहुत सारा काम इसका बाकी रह गया है। हमने ये जो 4 फीट वाला विंडो का पल्ला कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी इस तो देखिए ये 5 फीट वाला विंडो का पल्ला वो अभी बनाना बाकी है। तो इस पल्ला के लिए जो है हमने जैसे अब यहाँ पे ये वाला बिट जो हमने रेडी नहीं किया हुआ है, तो इसको अभी रेडी करना पड़ेगा, तो उसको भी रेडी करेंगे। और ये रहा ये पहले जो हमने फिटिंग किया वाला विंडो का पल्ला जो है वो ये रहा। तो बाकी इसका 5 फीट वाला विंडो पल्ला के लिए तो हमने सारी ये देखिए रेडी करके रखा हुआ है। और इसके छोटा वाला पर्सन भी हमने अंदर में रखा हुआ है, देखिए कुछ तरह ये भी रख लिया है। अभी सिर्फ इसका लंबा वाला बिट बनाना बाकी है, ये वाला बिट बनाना बाकी है। तो चलिए आगे काम शुरू करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों हमने विंडो का पल्ला जो है बनाकर पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। अभी इसका जो है लकड़ी का कील जो होता है वो लगाने का काम बाकी है इसको, और फिनिशिंग सैंडपेपर मारने का काम जो वो बाकी रह गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। तो दोस्तों उम्मीद करता आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।